अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक दूसरी डिश लेके आई हूँ आपके साथ। वाइट कढ़ाई आज बनाएंगे हम। ये जिसके लिए हमें चाहिए, ये चिकन है हमारे पास, 500 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है ये चिकन, एक दो तीन बोटी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो प्याज चाहिए है, दही है एक पाव, प्याज एक छोटी है मीडियम साइज़ की, इतनी बड़ी मैंने छील के काट ली है, एक पाव दही है, क्रीम है, ये हाफ पैकेट है क्रीम का। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए है कि ये हम अदरक है, एक टीस्पून अदरक है। अच्छा, एक टेबलस्पून में ये साबुत धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ, एक टीस्पून ज़ीरा है, एक टीस्पून धनिया है, दोनों मिला के एक टेबलस्पून हो गया ये। अच्छा, ये एक टीस्पून ये है वाइट पेपर है, ये जाएगी इसमें, ये क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च जाएगी, ये ज़्यादा नहीं पड़ती है, कलर ख़राब कर देती है। हाफ टी स्पून नमक है, और ये दो टेबल स्पून बटर है, ये जाएगा, और ये दो तीन हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये जाएंगी। और आखिर में तैयारी पर हम ये बादाम है क्रश किए हुए, ये डाल देंगे उसकी ग्रेवी के लिए, जिससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और ये मज़े की हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो बस अब हम ये जाते हैं किचन में और इसकी तैयारी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको चढ़ाते हैं। चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, उम्मीद है ये चीज़ें हैं, और ये आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ा आएगा, आप इसी को फॉलो कीजिएगा मेरे हिसाब से। चलें फिर किचन में चलते हैं, बनाते हैं अब चल के। ये देखिए, इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, और प्याज को हमें लाल बिल्कुल नहीं करना है, जब ज़रा गीली गीली सी हो जाएगी फिर हम चिकन डाल देंगे उसमें। कलर बिल्कुल नहीं लाना है प्याज के ऊपर, थोड़ी नरम होगी हम इसमें चिकन डालते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, ये जरा गीली गीली सी हो गई है प्याज, नरम हो गई है। अब हम इसमें ये डालेंगे चिकन, और ये लहसुन डाल देंगे साथ में, इसलिए कि इसमें अदरक नहीं जाती, अदरक से गार्निशिंग के लिए होती है। इसको फ्राई करेंगे, फिर हम पानी डाल देंगे इसको गलने के लिए, छोड़ देंगे 10-20 मिनट के लिए। अभी हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था जिसमें प्याज डाली थी, अब जब हम इसको भूनेंगे तो उस वक्त हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। ये देखिए चिकन पूरी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन ये हम 1.5 कप के जितना पानी डालेंगे इसमें, इसमें ये थोड़ी प्याज भी गल जाएगी और ये चिकन भी गल जाएगी। अब हम इसको बंद कर देते हैं, हम इसको 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, देखिए अब हमने इसे खोला है, ये पानी इसका खुश्क हो गया है, ये देखिए थोड़ी ग्रेवी ऐसी बन गई है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ये दही, थोड़ा पानी दही का छूटेगा। अच्छा,
केस करके हम इसे भूनेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे ये बटर, क्योंकि अब हमें करना है इसकी भुनाई। अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया और जीरा जो भून के हमने कूट के रखा था, ये डाल दिया हमने इसमें। ये एक टीस्पून व्हाइट पेपर डाल दी, ये क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर है। और अब हम इसमें डालेंगे ये नमक, ये दो तीन हरी मिर्चें हैं काट के रखी थी, ये भी डाल देंगे इसमें। बस अब हम इसको भूनेंगे। और ये बादाम का पेस्ट तो नहीं है लेकिन इसको मैंने पीस के रखे हैं, मेरे पास बादाम थे, दो टेबलस्पून है ये, ये भी डाल देंगे हम इसमें। इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाता है और ज़रा ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाता है। मुझे अच्छी खासी इसमें ग्रेवी बन गई है। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें क्रीम जब ये पूरी तरह भून जाएगी। हम इसमें डालेंगे क्रीम, फ्रीजर की है क्रीम, असल में इसमें जाके घुल जाएगी सब। बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे इसे, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होना चाहिए खाने के लिए। बस ये समझिए कि तैयारी पर है बिल्कुल, ये ऑयल आ गया है किनारे पर। बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे बस अब, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, ये कढ़ाई मेरी आ गई है बनके, अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। अदरक से थोड़ी हरी मिर्चें, और ये थोड़ा धनिया। बहुत मज़े की है, आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको।